अभी हम लोग का गांव में जो होता है कि गांव में ये जुरगुंडा जो है, तो देखिए इसको फील्ड यानी उधर जो मैदान होता है ग्राउंड तरफ, उधर से इसको एक एक करके लाया जाता है उठा के, और फिर इसको इससे झाड़ू बनाया जाता है। तो इसमें जितना जड़ है इसको हटाया जाता है, साफ किया जाता है। तो इस तरह से साफ किया जाता है। तो मेरा जितना कच्चा है हम उसको कच्चा में ही साफ करते हैं। तो देखिए हम इतना कल साफ किए थे, और साफ करके सूखने दिया जाता है, और उसको फिर उसके बाद झाड़ू बनाया जाता है। तो झाड़ू हम लोग रस्सी से या तार से जो होता है उसको बुनते हैं, और उसके बाद उसको सुखा के फिर रख लेते हैं। फिर कुछ दिन हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसमें झाड़ू लगाते हैं। तो देखिए ये मेरा सूख गया है, इसको भी हम चुन चुके हैं, और इसको जमीन में थोड़ा रगड़ लेंगे, उसके बाद इसको बुनेंगे। गांव में ये सब झाड़ू बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि नारियल झाड़ू और फूल झाड़ू जो होता है वो जमीन में धोने के काम नहीं आता है। जमीन को धोने के लिए ये सब झाड़ू बहुत अच्छा रहता है, पानी उनी जैसे अच्छा से इससे साफ होता है। और फूल झाड़ू आपका सूखा जमीन के लिए ठीक है, बट जैसे कि आप पानी वगैरह झाड़ू कर रहे हैं तो अगर जमीन भी रफ है तो ये सब झाड़ू बहुत अच्छा से काम आता है, और गांव में मैक्सिमम सभी लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको हम लोग जुरगुंडा बोलते हैं गांव का भाषा में। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। ये जंगल में ही मिलता है, खेत में, जंगल में, ग्राउंड में सब रहता है। बहुत सारी औरतें होती है जो इसको बना के और बाजार में भी बेचती है, आप लोग देखे होंगे। तो हम इसको सारा साफ कर लेते हैं, और जिमी मेरे पास बैठी है जिमी अभी एक एक झाड़ू इधर उधर कर दे रही, डांटे हैं तब जाके बैठी है। तो हम जितना सकेंगे अभी जल्दी जल्दी इसको साफ कर लेते हैं, और कच्चा रहता है तो ये साफ होता है अच्छा से, सूख जाने से ये छूटता नहीं है, ये जो जड़ है इसका ये छूटता नहीं है ऐसे, एक एक करके साफ करना पड़ता है इसको। बिल्कुल साफ हो गया ये जो है इसका सारा हट जाता है, ये सूख जाएगा तो फिर हटेगा नहीं, इसीलिए कच्चा में ही इसको साफ कर लेते हैं, और सूखने के बाद इसको बुनते हैं हम लोग। तो हमारी गांव की जितनी मेरी बहन लोग हैं, गोतनी लोग और मम्मी चाची लोग, तो सबको ही सब लाती है और बनाती है। तो हम लोग भी देखिए लाए हैं, और इसको साफ करके रख लेंगे, फिर सूख जाएगा, उसके बाद फिर एक बार रगड़ना है जमीन में, उसके बाद बुनना है इसको। अभी तो नहीं बुनने का है, लेकिन जिस दिन हम बुनेंगे उस दिन आप लोग को जरूर दिखाएंगे। हम चाय चढ़ाए हैं, देख के आते। आज हम सुबह को चाय पीए नहीं थे, तो अभी थोड़ा सा पी ले रहे हैं। घर का मेरा सारा काम हो गया, और शाम को चाय थोड़ा सा पीने से अच्छा लगता है मन, और साथ में अगर कुछ हो जाए पकौड़ी वगैरह तो और अच्छा लगता है, बट अभी हम बनाए नहीं हैं तो ऐसे ही चाय पी ले रहे हैं। जिमी जिमी को रोटी दी है, खाए नहीं। ये चाय पीते पीते साफ कर लेंगे, काम भी हो गया है, और जाना होगा गाय लेने के लिए। गाय मेरी मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई है आज संजली वाली ननन के यहाँ, तो जाना होगा हम ही को लेने के लिए। तो हम अभी जल्दी से चल जाएंगे, नहीं तो अंधेरा होगा तो फिर जा नहीं पाएंगे।
जिमी अभी खुली है, जिमी को खोल दिए हैं। अगर गाय आ गई तो जिमी को बांधना पड़ेगा क्योंकि बहुत भौंकती है, और गाय भौंकने से फिर घुसेगी नहीं घर, इसलिए इसको बांध देना पड़ता है। तो देखिए इतना हम साफ कर लिए। पानी भी टिपकने लगा, बारिश हो रही है। जिमी अंदर जाओ, हमारे यहाँ झारखंड में तो बारिश डेली अभी हो रही है, डेली प्रतिदिन पानी हो रही है, शाम को सुबह को। आज दिन भर हुआ है, थोड़ा सा धूप आया था दिन में। हम जल्दी जाते हैं गाय के लिए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बाद में भी हम चुन लेंगे। मेरे कोई दोस्त हैं जो मेरे चैनल में नए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और झाड़ू तो इतना ही अभी चुनेंगे, एक चुन लिए हैं और ये है, और हम जाते हैं गाय लेने जाना होगा। दोस्तों मम्मी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है वहाँ, तो वो लोग आते आते टाइम लग जाएगा। जिमी जिमी कहाँ बैठी है? तेरी गाय सब का बहुत आदत इतना गंदा हो गया, मत बोलिए। सुबह खोले हैं, दोपहर को आई नहीं है, फिर भी देखिए अभी तक घर नहीं आई है, चरते रहती है। अब जाना होगा लेने के लिए तब आएगी, शाम हो गया फिर भी नहीं आ रही। हम पहले गाय लेने जाते हैं दोस्तों, झाड़ू बाद में चुनेंगे। तो चलिए रख देते हैं अंदर में, पंखा के नीचे रख देंगे, हवा से सूखेगा क्योंकि धूप अभी बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो यहीं रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इतना झाड़ू रखे हुए हैं, ये सब साफ किया हुआ है, बस जब सूख जाएगा तो इसको थोड़ा सा घिस के और इसको बुनेंगे। जिमी देखिए, जिमी इधर बैठी, बैठो हम जा रहे हैं गाय लेने। जिमी यहीं रहना ठीक है, फिर गाय आएगी तब बहुत ज़्यादा भौंकेगी, इसको बांध के ही जाएंगे। कहाँ बांधेंगे, यहीं बांधे, यहीं बांध देते ठीक है। देखो जिमी को यहाँ फंसा के जा रहे हैं क्योंकि गेट खोल नहीं हो, नहीं हो, हमने कहीं खराब कर दी दीजिए।
फ्रेंड्स समझा रहे हैं गाय को। तो दोस्तों देखिए मेरी गाय अभी आई लेके आए हैं, तो ये एक आ गई है और बाकी सब अभी नहीं आई है, रास्ता में है। चल 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 फिर चल चल चल। हम बांध दिए और गाय भी इधर देखिए सब बैठी है आराम से, क्योंकि दिन भर चरती ही रहती है तो थक भी जाती है, और तो आके अभी देखिए सब बैठी है, यानी हम गाय दू भी लिए हैं। गाय लेके आ चुके हैं और गाय को बांध दिए हैं, सब बैठ भी गई है, आराम कर रही है। दिन भर घूमते रहती है तो रेस्ट भी, अब रात भर ही लोग आराम करेगी, फिर सुबह निकल जाती है, फिर दोपहर को आती है, धूप हार्ड है इसलिए अभी दोपहर में भी घर आती है। तो अभी दोस्तों हम दूध लिए हैं गाय को, और दूहने के बाद देखिए वो खड़ी है, बाकी सब बैठ गई है। तो गाय तो दूध लिए, अब मेरा किचन का काम बाकी है, खाना बनाना। तो रात के अभी 7:30 बज चुका है। दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करते रहते हैं हर ब्लॉग्स में कि मिल्किंग वीडियो डालिए, पर सॉरी दोस्तों आप सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो वो क्या है कि मेरा स्टैंड को बाबू तोड़ दिया था गलती से ही, तो इस वजह से मेरा दिक्कत हो गया है। तो मोबाइल पकड़ने के लिए कोई है नहीं, और बच्चे का सहारा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बच्चे स्कूल जाते हैं अपने व्यस्त रहते हैं तो दिक्कत होता है, और स्टैंड रहता है तो आसानी से हम उसको रख देते हैं और काम निकल जाता है, वीडियो हो जाता है अपलोड। तो मोबाइल पकड़ने के लिए ही अभी प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह बच्चे चले जाते हैं और शाम को मैं वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि अंधेरा दिखता है, फिर मिल्किंग वीडियो यानी कुछ अच्छा से दिखेगा नहीं वीडियो, तो इसलिए अभी नहीं डाल रहे हैं। आप लोग सब मेरे मजबूरी को समझिए प्लीज़। तो दोस्तों मैं कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश करूँगी कि स्टैंड में मंगा लूँगी और डाल दूँगी वीडियो। तो दोस्तों रात के 7:30 बज चुका है, तो अभी मैं जाती हूँ किचन और यहीं पे अपना वीडियो को एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।